नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अप्रैल 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ से आप लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप आ रही है नहीं आ रही है, क्या अपडेट है। यूपी टेट 200 रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। एक और दोस्तों बड़ी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि फेल ना होने पाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों की बैक हर साल लगती है, ये कोई नई बात नहीं है। पेपर भले ही आसान है लेकिन दोस्तों हर बार हजारों छात्र फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्या कारण है, क्यों बच्चे फेल होते हैं, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। परीक्षा पास करने का रामबाण तरीका भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, तो क्यों हर बार हजारों बच्चे फेल होते हैं, आपको बता दें डीएलएड 2019 बैच में जब सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था फर्स्ट टाइम, तो तकरीबन 70,000 बच्चे फेल हो गए थे। ठीक है, उन बच्चों को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ दोस्तों कि इन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। तो अब इन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर का अपना पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद जब ये थर्ड क्लियर करेंगे तो चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे। ठीक है, तो एक गलती दोस्तों फिर कितना लंबा समय चला जाता है ये बातें पता नहीं चलती। तो एक एक करके आज के हम सभी अपडेट को इस वीडियो में देखेंगे। नए शिक्षक भर्ती मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी, कोई भी खबर आज आपसे छूटेगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हजारों बच्चे फेल क्यों होते हैं आपको बता दें। डीएलएड का पेपर लीक की दोस्तों बात यार अफवाह सोशल मीडिया पर बहुत चलती है। अभी आपको बता दें हाल ही में क्या हुआ कि हाई स्कूल विज्ञान का पेपर व इंटर गणित का फर्जी प्रश्न पत्र वायरल हुआ। जी हाँ दोस्तों, कल पेपर था और ये फर्जी प्रश्न पत्र वायरल हो गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, डीएलएड में भी ऐसे। लास्ट टाइम हजारों बच्चे फेल होने का रीजन क्या था, फेक वाला पेपर, फर्जी पेपर वायरल कर दिया जाता है। ठीक है, और आप लोग उसी को तैयार करके चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि गणित का पेपर है, समझ लीजिए पहले बिल्कुल बेसिक हम आपको आज बता देते हैं, अगर आप ये तरीका समझ गए तो भैया आप फेल तो नहीं होंगे कम से कम। होता क्या है, गणित का पेपर हमारा 25 नंबर का आता है। ठीक है, तो 25 नंबर में 5 नंबर बहुविकल्पी के क्वेश्चन होते हैं, 6 तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 7 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के, मतलब 7 × 2 = 14, हर क्वेश्चन 2 2 नंबर के। तो टोटल अगर हम जोड़ लेंगे तो 6 5 11 14 25 नंबर हो गया। और आपको बता दें पास होने के लिए हमें सिर्फ 12 नंबर लाना पड़ता है। तो यही 12 नंबर क्यों नहीं ला पाते बच्चे, अब आपको बताते हैं। होता क्या कि डीएलएड में भी हर बार एक फेक पेपर वायरल होता है। ठीक है, जो बच्चे 2019 बैच के उन बच्चों को ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। अब डीएलएड 2021 बैच के नए छात्र हैं उनको ये बातें नहीं पता होंगी। पेपर से ठीक पहले एक फर्जी पेपर वायरल कर दिया जाता है और आपको लगता है यार ये पेपर सही का आने वाला है। ये जो 5 बहुविकल्पी के क्वेश्चन है ना, तो अब देखिए मान लेते किसी पहले क्वेश्चन का मतलब विकल्प मान लेते दूसरा सही है, दूसरे का पहला सही है, तीसरे का चौथा सही है और चौथे का पहला सही है, पांचवे का दूसरा सही है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो कोडिंग बना लिए 2 1 4 1 2, ठीक है आप लोग यही करते हैं ना, तो फिर वही क्या करेंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ये कोड देख लिया, आंख में दिमाग में बैठा लिए, गए क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे भी नहीं, भैया सीधे पहले का दूसरा विकल्प टिक कर दिया, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला और पांचवे का दूसरा बिना देखे। ठीक है, भले वो दोस्तों पेपर बदल गया हो, जो पेपर आपको मिला वो पेपर ना आया हो, यही गलती हुई थी। तो इसको अगर आप बच गए तो आप भैया फेल नहीं होगी। ये 5 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, इस चक्कर में बहुत से बच्चे अपने 5 सबसे महत्वपूर्ण जो नंबर मिलते हैं बहुविकल्पी के वो गलत करके आते हैं। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, फेक पेपर से बचना है आपको। ठीक है, नहीं तो बेमतलब की बैक लग जाएगी, पेपर उतना कठिन नहीं आता। अगर 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन गलत हो गए तब 12 नंबर पहुंचना दोस्तों फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी एवरेज बच्चे के लिए, मतलब जिन बच्चों की गणित कमजोर है। ठीक है, तो उनके लिए फिर 12 नंबर लाना एक पहाड़ सा हो जाता है। इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रख देते हैं। लखनऊ से अपडेट आई कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं में प्रश्न पत्र वायरल करने का खेल जारी है। सोमवार को भी हाई स्कूल विज्ञान व इंटरमीडिएट गणित का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने दोनों की जांच कराई और उसमें प्रश्न पत्र फर्जी निकला। बोर्ड सचिव की ओर से इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पहले हाई स्कूल संस्कृत विषय का पेपर भी जांच में फर्जी मिला था। सोमवार को प्रथम पाली में हाई स्कूल की विज्ञान व द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान व गणित की परीक्षा शांतिपूर्वक होने का दावा किया गया। राज्य स्तरीय केंद्रीय कंट्रोल रूम में से मतलब हर जिले के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी गई। डबल लॉक से प्रश्न पत्र निकालने व पैकेट को खोलने की निगरानी की गई। आगरा जिले में फर्जी सचल दल पकड़ा गया। 4 व्यक्ति फर्जी सचल दल बनाकर भारत सरकार की लिखी गाड़ी में बैठकर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर केंद्र व्यवस्थापक को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे।
केंद्र व्यवस्थापक को शक होने पर इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को दी गई, जो मौके पर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं भैया कि आजकल कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली खबर देखिए जरा। बेसिक शिक्षा सुधरी तो बेहतर होगी आगे की पढ़ाई, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे कि मदरसों से खत्म होंगे दीनी तालीम देने वाले 5,349 शिक्षकों के पद। ठीक है, योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा बोर्ड में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मदरसों में अब दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक फोकस किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सरकार ऐसा बनाने जा रही है जिससे यहाँ के छात्र भी दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, ये बड़ी बात है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। ठीक है, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जहां पर दोस्तों आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों वेबसाइट आपको हमने बताई रखी है। कौन सी वेबसाइट है? dlrizult.com, dlrizult.com। गूगल पर जाकर दोस्तों आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आप ये वाली जो डेट शीट, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तृतीय सेमेस्टर की डेट शीट हो, चाहे चतुर्थ सेमेस्टर की, चाहे हमारी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो तारीख लिखी है ना, अभी ऑफिशियल वाली डेट आएगी तो ऐसी तारीख रहेगी, थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो प्रिंट। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने आपको बता दिया कि किस दिन कौन कौन सा पेपर होगा। परीक्षा की तैयारी में आप लोग लग जाइए। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी डीएलएड की ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, जहां पर लिखा है प्रथम सेमेस्टर का पेपर 9 मई से लेकर 11 मई तक होगा, मतलब 3 दिन में। 9 तारीख को पेपर होगा, 10 तारीख को होगा, 11 तारीख को, 3 दिन में आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। यही 3 दिन दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर तो आपका डीएलएड निकल ही जाएगा। देखिए, परीक्षा पास करने का तरीका क्या, ये हम पहले आपको समझाते हैं। देखिए, अभी जो बच्चे नए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, देखिए पहले दिन के जो दो पेपर होते हैं, ये पेपर बहुत कठिन नहीं है। इसकी तैयारी दोस्तों आप एक दिन पहले से शुरू कर सकते हैं, आपको मतलब पर्याप्त समय मिलेगा कुल मिला के, आप ये समझिए। लेकिन जो आपका पेपर दूसरे दिन होगा, देखिए पहले दिन का जो पेपर समाप्त होता है 2 बजे से 4 बजे, शाम को 4 बजे आपकी छुट्टी होगी, घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएगा या 6 बज जाएगा, जो बच्चे जहां से आते हो जितनी दूर से आते होंगे। ठीक है, मान लेते मोटा मोटा 6 बजे आप घर पहुंचते हैं, 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद पढ़ने भी बैठेंगे तो आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना रहेगा, गणित पढ़ना रहेगा, सामाजिक अध्ययन। तो गाइज अभी समय आपके पास है। ठीक है, पहले आप लोग दोस्तों ये सब टॉपिक पहले से खत्म कर दीजिए, जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, अगर आप इसको पहले से पढ़कर रखे रहेंगे तो जब पहले दिन का पेपर देके आएंगे तो आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा, आप पहले से पढ़े, सिर्फ रिवीजन करना रहे। बाकी दोस्तों अंतिम दिन का पेपर उतना कठिन नहीं जैसे हिंदी का या संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर, ये तो दोस्तों मतलब रट्टा मार विषय है, इसको आप रट के निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे दिन का पेपर होता है विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान में भी चलिए मान लेते कि आपको ये सुबह मीटिंग का पेपर है तो आप सुबह पढ़कर विज्ञान अच्छे से चले जाएंगे, आपको समय मिल जाएगा। लेकिन जो गणित और सामाजिक अध्ययन में ना, इसमें आपको समय नहीं मिल पाता, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको बैक से बचना है तो यही दोस्तों दो विषय हैं, अगर आप पहले से पढ़ के इसको कंप्लीट कर रखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब परीक्षा पास करने का तरीका जरा समझ लीजिए आप लोग, है क्या, जैसे सबसे ज्यादा बैक हमारी लगती है मैथ में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया 25 नंबर का पेपर है, हमने आपको बता दिया कि 5 नंबर बहुविकल्पी से मिलेंगे, 6 नंबर अति लघु उत्तरी से, और 14 नंबर आपके मिलेंगे लघु उत्तरी से। अगर दोस्तों आपने क्लास में भैया थोड़ी बहुत दोस्तों से मदद ले लिया, आपके दोस्त अच्छे निकले, पढ़ने में तेज हैं, अगर वो आपको 5 नंबर दिला देते हैं बहुविकल्पी से, देखिए बहुविकल्पी के भैया अगल बगल से नकल हो जाती है, ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त ठीक नहीं होते, वो आपको हो सकता है कि जो आप सही करके हैं उसको गलत बता दें। अगर ये 5 में से 5 नंबर आपने बहुविकल्पी के कंफर्म कर लिए तो पास होने के चांसेस दोस्तों आपके 99% तक हो जाते हैं। ठीक है, 1% तब भी आप फेल हो सकते हैं, भैया आपकी गणित बहुत ही कमजोर, उसके बाद अगर आप एक भी अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी नहीं कर पाते, उसके बाद दोस्तों आपका मेन फोकस होना चाहिए कम से कम 3 लघु उत्तरी प्रश्नों को करने के लिए। अगर आप 3 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो 6 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ये हो गया 6, 5, 11 नंबर। और दोस्तों गणित में होती है स्टेप मार्किंग, अगर आपने अति लघु उत्तरी का एक भी क्वेश्चन सही कर लिया तो आप पास हो गए। ठीक है, तो पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती क्या होती कि जो फर्जी पेपर वायरल होता है, ये 5 जो आपके नंबर बहुविकल्पी के, यहाँ पर काफी बच्चों का 0 नंबर हो जाता है, फिर दोस्तों परीक्षा पास करना आपके लिए पहाड़ बन जाता है। तो फेक पेपर से बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे आपको फेक पेपर फॉरवर्ड करेंगे, अब वही आप पढ़ के जाएंगे बेमतलब की आपकी बैक लग जाएगी। अभी समय पर्याप्त है सभी सेमेस्टर के छात्रों के लिए, हम कह रहे हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो किसी भी कीमत पर आपकी बैक नहीं लगेगी। तो
चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट का लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में, स्कॉलरशिप स्टेटस, यूपी टेट रिजल्ट, परीक्षा की डेट शीट का सब कुछ दिया गया, चेक करते रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं उसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे।